दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे स्नो ही स्नो यहाँ पे पड़ी हुई है, यानी कि हम पहुँच चुके हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहित मोरा और आप देख रहे हैं माय स्मार्ट व्लॉगर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट जर्नी होने वाली है, क्योंकि आज मैं जर्नी करने वाला हूँ। ना ही बस की जर्नी है, ना ही ट्रेन की, बल्कि आज मेरी फ़र्स्ट फ्लाइट की जर्नी है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और मेरी जो फ़्लाइट है वो लखनऊ एयरपोर्ट से, यानी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से है, और मुझे जाना श्रीनगर। श्रीनगर जाने के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट है, यानी डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं है। तो मुझे यहाँ से पहले दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली से दूसरी फ़्लाइट चेंज करके मुझे श्रीनगर जाना पड़ेगा। तो अभी मैं हूँ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे, और आप देख रहे हो पीछे काफ़ी ज़्यादा वाहनों की कतार लगी हुई है। और सारी डिटेल्स मैं देता रहूँगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हो ये है हमारा एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह, और इसे हम अमौसी एयरपोर्ट भी बोलते हैं। और आप देख लीजिए एयरपोर्ट के बाहर का व्यू, यहाँ पे सफाई भी चल रही है और जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो पैसेंजर को लेके आ रही हैं तो यहाँ स्टैंड में मतलब रोक देते हैं, उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। तो अभी मेरे दोस्त वहाँ पे हैं अभी, और कुछ फ्रेंड्स आना बाकी है। तो आप यहाँ का व्यू देख लीजिए। इधर आप देख रहे हो गो एयर का काउंटर है, इंडिगो का भी यहाँ पे काउंटर है, और इधर बैठने के लिए सीट लगी हुई है। और इधर आप देख सकते हो इधर हाँ इंडियन बैंक भी यहाँ पे है। तो सारी सुविधा है। और ये देख लीजिए यहाँ का बाहर का व्यू, इधर सारी गाड़ियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। सो दोस्तों ये आप देख रहे हो ये है मेरा बोर्डिंग पास, और इधर पूरे प्रोसेस है इसका, टिकट वगैरह सबकी फ़ोटो कॉपी है आप देख सकते हो। तो इधर लगेज के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है, और इधर एंट्री हो रही है, प्रवेश एंट्री डी, यानी ए डी का मतलब डिपार्चर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर यहाँ पे एक LED लगी हुई है जिसमें फ़्लाइट नंबर, कितने बजे फ़्लाइट जाएगी, ये सारे चीज़ें डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। और देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है। आपने बोर्डिंग पास पहले से नहीं निकाल रखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मशीन लगी हुई है, यहाँ पे बोर्डिंग पास आप निकाल सकते हो इस मशीन से। यहाँ पे आप देख रहे हो भैया लोग जो है बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से अपना बोर्डिंग पास यहाँ पर निकाल सकते हो। और अंदर का लुक आपको दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत ट्रॉली और लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो ये इधर आप देख सकते हो काफ़ी बोर्डिंग पास वाली मशीन यहाँ पे लगी हुई हैं। और इधर आप देख रहे हो यहाँ पे लगेज चेक होता है इस जगह पे, और इधर आप देख रहे हो यहाँ पे हो रही है एंट्री। देख सकते हो हमारे जो विक्रम भाई हैं अपना लगेज देख रहे हो कैसे भर रहे हैं, एक झोले में था इस वजह से अमित भाई का। इधर आप देख सकते हो बैग इधर से उधर जा रहे हैं, और यहीं से जिसकी जहाँ पर फ़्लाइट होगी वहाँ पर मिलेगा बैग। तो आप देख सकते हो निकालो, बंद नहीं होगा, फट जाएगा अभी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें बोर्डिंग पास में लिखा होता है गेट नंबर 4। तो इधर आप देख रहे हो यहाँ पे चेकिंग हो रही है, और यहाँ पे बेल्ट और आपके कॉइन्स और मोबाइल फ़ोन जितना सारी चीज़ें होती हैं उधर आपको निकाल के दे दिया जाता है, निकाल के आप दे दोगे, और उसके बाद चेकिंग होने के बाद फिर आप वापस ले सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पर। और इधर आप देख रहे हो इधर गेट नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। तो जिस गेट से आपकी एंट्री होगी उस गेट पे आपको वेटिंग करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे लगी हुई हैं कुर्सियाँ, और अगर कुछ खाना पीना चाहते हो तो यहाँ पे कैंटीन भी है। इधर आप देख सकते हो इंस्पेक्टर CISF का काउंटर यहाँ पे, और देख सकते हो आप देख पा रहे हो फाइनली हम गेट नंबर 4 पे बैठे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी लगा हुआ है LIC का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। दोस्तों आप देख पा रहे हो अभी हमारी जो फ़्लाइट नंबर है 6E6733। तो यहाँ पे सबको लाइन लगकर बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा, और फिर प्रस्थान करेंगे हम लोग अपनी फ़्लाइट की तरफ। पूरी चेकिंग होने के बाद आ चुके हैं बालकनी में, और उसके बाद अब निकलने वाले हैं हमारे साथ अमित भैया, और सबसे बात करवाएंगे लास्ट में। और इधर ये देखो फ्लाइट ही फ्लाइट खड़ी हुई है, हम लोगों का ये अवसर नहीं है कि हमें नीचे जाना पड़ेगा। देखते हैं नीचे जाना पड़ेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा।
यार हमारी तो आवाज़ भी नहीं जाएगी इसमें। जाएगी जाएगी, चलो ठीक है, बाकी वॉइस ओवर मैं बाद में कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हो अभी फाइनली सभी लोग अपना वस्त्र धारण कर रहे हैं, ये देखिए। और इधर आप देख रहे हो, अंदर चलते हैं फिर, यहाँ पे पन्नी वन्नी अपना जो है रख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली हम एंट्री करने वाले हैं जहाज़ में, आप देख सकते हो इधर। एक बार फाइनली मैं अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ, मेरी सीट नंबर थी 32F, तो वहीं पे बैठा हूँ। मेरे साथ हैं भाई, भाई आपका सिग्नल अनमोल कुमार वैश्य, अनमोल कुमार वैश्य। और हमने ली थी अपनी विंडो सीट, तो अभी विंडो सीट है, आपको व्यू दिखाएंगे यहाँ से। काफ़ी फर्स्ट एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जहाज़ आपको दिखाता हूँ अंदर से। सो दोस्तों ये है अंदर का व्यू, देख सकते हो यार, बिल्कुल बहुत मस्त लग रहा है। देख सकते हो अंदर का व्यू आपको, यहाँ पे बहुत बड़ा यार जहाज़ है अंदर से, ये आप देख रहे हो यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे शीट में लिखा हुआ इंडिगो गोलंडी गॉट गो डॉट इन, आप देख सकते हो। और इधर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कृपया बैठे हुए कुर्सी की पेटी बांधिए, बांधे रखिए। और ये आप देख सकते हो इधर, और बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये है बाहर का व्यू, धुंधला सा आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पे शायद एयर के लिए है, यहाँ पे ये ऊपर का व्यू आप देख सकते हो इस टाइम में बना हुआ है। और इधर लगेज रखने के लिए, यहाँ पे लगेज आप रख सकते हो ऊपर अपना, जैसे नहीं बहुत ऊंची आई क्यों। दोस्तों फाइनली हम लैंडिंग करने वाले हैं, आप देख सकते हो जहाज कितनी नीचे लैंडिंग, दिल्ली एयरपोर्ट, ये बहुत ही स्वीट। अपन जाना है, हाँ आ गए भैया, मैं वीडियो हिलने लगा। और इधर फाइनली हम लोग दिल्ली पहुँच आए हैं, और पूरी फ्लाइट आप देख रहे हो पूरी खाली हो चुकी है, तो लास्ट में हम ही लोग निकल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और फेस शील्ड फेंक दिए, अरे यार पहन लेना था, आपका यहाँ पे था बेटा, आगे बैठे थे। आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखिए जहाज़ भी बना हुआ है लोगों, और लिखा भी हुआ है ट्रांसफ़र, तो यानी ट्रांसफ़र करना है, मुझे जाना है श्रीनगर के लिए, तो इधर से चलेंगे इस साइड से। हाँ ये है दिल्ली का एयरपोर्ट, आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत यार बना हुआ है। इधर सेल्फी पॉइंट, और इधर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, इधर ये लगे हुए कौन से, ठीक है सब, हाँ भैया देखे हैं, देख सकते हो ये एलईडी लगी हुई है, इसमें पूरा लिखा हुआ है कौन सी फ्लाइट कहाँ के लिए कितने समय जा रही है। कोरोना टेस्ट हो रहा है फ्री में, तो हम लोग कोरोना टेस्ट यहाँ पे करवाने वाले हैं फ्री में, डिपार्चर में जाने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली हमको मिल चुका है गेट नंबर 2021, यहीं से
हम लोगों को शायद बस ले जाए इस बार। तो ये है और हम लोग नीचे आ चुके हैं और आप देख सकते हो लिफ्ट का प्रयोग लोग कर रहे हैं। यहाँ पे सैनिटाइज़र भी लगा हुआ है, हाथ हैंड को सैनिटाइज कर सकते हो। और इधर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये सब वेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का। तो आप देख रहे हो यहाँ पे श्रीनगर नाउ बोर्डिंग, यानी कि यहाँ पे बोर्डिंग प्रारंभ हो चुकी है श्रीनगर। तो फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं, आप देख पा रहे हो ये है इंडिगो की बस और एसी भी चल रहा है इसमें। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस जर्नी में, दिखाते हैं आपको यहाँ पे ये वाली जर्नी। इधर भाई भी बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हुए हैं। ये फाइनली इंडिगो का जहाज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सामान है वो पूरी तरीके से हो रहा है, सभी यात्री भी जाने वाले हैं। तो इधर आप देख सकते हो मेरे सारे दोस्त, और इधर ये बसें आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे इंडिगो की फ्लाइट खड़ी हुई हैं और बसें भी खड़ी हुई हैं। ये अंतर्राज्यीय टर्मिनल 2 से हम लोग फाइनली जाने वाले हैं श्रीनगर। तो अभी देख रहे हो यहाँ पर फ़ोटो खिंचाई चल रही है, और ये देखिए फोटो भी खींच रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और फोटो ले लेते हैं भाई के साथ। सूरज 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 भाई, सूरज भाई फोटो ले ले फोटो। ये है जहाज, देखिए अभी बोर्डिंग पास दिखाना है और फिर चलते हैं ऊपर। और यहाँ का एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये पंखे आप देखिए कितने बड़े बड़े, इधर ये देखते जा रहा है। फाइनली हम आ चुके हैं फ्लाइट के अंदर, आप देख सकते हो अभी हमें सीट ढूंढना है 28A। तो देखते हैं 28A हमारी सीट कहाँ पे है, और विंडो सीट थी तो विंडो सीट ढूंढना पड़ेगा मुझे। 13, 14 और 20, 22 चलो 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 दोस्तों। फाइनली हमारा जहाज जो है टेक ऑफ करने वाला है बहुत ही स्पीड में। गाइस आप देख रहे हो बादल बहुत नीचे है, और तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे स्नो ही स्नो यहाँ पे पड़ी हुई है, यानी कि हम पहुँच चुके हैं जन्नत में। ये देखिए, अरे यार जहाज हिल रहा है बहुत तेज, लगता है लैंडिंग कर रहा है। यहाँ पे स्नो देखिए कितनी ज़्यादा है, ऊपर से पहाड़ी बिल्कुल चमक रही है यार, ये पहाड़ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार यहाँ से फ्लाइट से देखने में, यार क्या जन्नत है भाई। आप देख पा रहे हो ये, पहुँचा है श्रीनगर और ये हमारा जहाज इंडिगो। अभी सभी यात्री खाली हो रहे हैं, ये है यहाँ का एयरपोर्ट, और ये देखिए यहाँ का एयरपोर्ट कुछ इस टाइम में।
हम श्रीनगर एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं और हमारा कोविड टेस्ट यहाँ पर हो भी चुका है, क्योंकि दिल्ली में भी हुआ था, यहाँ पर भी हमारा कोविड टेस्ट सभी लोगों का हुआ है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, और इसके बारे में फुल डिटेल में रूम पे जाके बताता हूँ क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि फाइनली देख पा रहे हो, अभी मैं हूँ, कहाँ हूँ भैया, श्रीनगर बॉर्डर, श्रीनगर बॉर्डर, कहाँ बॉर्डर है, बॉर्डर है ये एयरपोर्ट वाला, अब कहाँ उधर विमान, नहीं एयरपोर्ट पे तो है, ये बॉर्डर थोड़ी ना आया, अरे कश्मीर बॉर्डर है ना इधर, कश्मीर भाई आए हो, श्रीनगर में हो। चलिए, तो मैं अभी श्रीनगर में हूँ और पीछे है ये मार्केट एक, और यहाँ पे ये भारतीय विमान, ये भारतीय एयरपोर्ट है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ कि जब मैं दिल्ली से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट से आया हूँ, और उसकी जो है टेक ऑफ की तो वीडियो बनी है लेकिन लैंडिंग की नहीं बनी। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो है ये जो एयरपोर्ट है ये सैनिक एयरपोर्ट है, इसलिए देश के लिए यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए यहाँ पे लैंडिंग की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एरोप्लेन में मतलब कि हवाई जहाज़ में काफ़ी सारी वार्निंग्स चल रही थी कि जो है यहाँ पे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं, क्योंकि ये सैनिक एयरपोर्ट है, इस वजह से वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं थी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ये जर्नी आपको कैसी लगी, और यहाँ पे आने के लिए अगर आप करते हैं जर्नी करते हैं हवाई जहाज़ की, तो क्या क्या आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका मास्क नाक से नीचे नहीं उतरना चाहिए, ठीक है, और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी पालन करना पड़ेगा। फेस शील्ड आपको वहीं पे सब मिल जाएगा, कोरोना की जांच भी वहीं पे हो जाएगी, सब कुछ मुफ्त में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिल्ली से निकलोगे, हर जगह पर आपकी जो है, यहाँ श्रीनगर में आओगे यहाँ पर भी कोरोना की आपकी जाँच होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।